हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपना विविध प्रश्न माला चल रही थी 14 की, जिसमें 12 का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दो रेखाओं की दिक को जो निम्न संबंधों द्वारा दी गई हैं तो उन्हें याद कीजिए। तो उन्हें याद करना है तो देखो ये दो संबंध दे रखे हैं दिक को जय के अंदर। अब इनका मान याद करना है, किसका एल एम और एन का मान याद करना है। तो देखो मैं यहाँ पे समीकरण एक से L का मान निकालता हूं, कितना आ जाएगा 5m माइनस 3n, इसको मान लेता हूं मैं समीकरण 3। यहां से L का मान निकाला 5m माइनस 3n, निकालिए पहले समीकरण से, और ये इस समीकरण में इस L की जगह रखते हैं। समीकरण दो में L का मान रखने पर क्या होगा, 7 एल की जगह रखा 5m माइनस 3m का होल स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर बराबर 0। हाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 के 15 दूरी 30, mn माइनस 5m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर बराबर 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दिया यहाँ पे, अब गुणा करो 7 को 25 से किया, 7 5 35, 7 2 14 175, एम स्क्वायर 7 3 63, एम स्क्वायर 7 3 21, 210 mn माइनस 5m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर बराबर 0। देखो 175 में से 5 गया आपका, 175 में से 5 गया कितना जाएगा 170, ये यहाँ पर माइनस का है प्लस का, सॉरी प्लस का 5m स्क्वायर है, 175 और 5 हो गया 180m स्क्वायर, ये हो गया आपका 210 mn, और ये माइनस 3m स्क्वायर है यहाँ पे, और 63 में से 3 जाएगा यहाँ पे आ गया 60m स्क्वायर बराबर 0। देखो 60 30 से इकट्ठा 30 कॉमन आएगा यहाँ पे, 3 6 18, 6m स्क्वायर, 3 7 21, और 3 2 6 n का स्क्वायर बराबर 0। ये 30 चला जाएगा भाग में, क्या बच जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं, 6 12 4 12, तो ये आ गया 6m स्क्वायर माइनस का 4mn माइनस का 3mn प्लस का 2n स्क्वायर बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 6 और 4 में 2 कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर में mm आ रहा है, तो 2 6 2 2 4, इसमें माइनस का n कॉमन आ रहा है, तो 3m माइनस 2n बराबर 0। हाँ तो आगे चलो, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3m माइनस 2n, कोष्टक में बच गया 2m माइनस n, ये हो जाएगा 3m माइनस 2n बराबर 0, 3m बराबर 2n, m का वैल्यू आ गया 2n बाय 3, ये आ गया 2m माइनस n बराबर 0, 2m बराबर n, m का वैल्यू आ गया n बटे एम के मान आ गए आपके पास में 2, तो 2 केस लेने पड़ेंगे यहाँ पे। केस फर्स्ट क्या, एम का मान क्या लिया है 2m बाय 3 लेने पर, हाँ तो लेने पर सबसे पहले मैं ये एम का मान इस एल में रख देता हूं, तो समीकरण 3 से एल बराबर 5, एम की जगह रखा कितना 2m बाय 3 माइनस 3m, तो 5 10 एन बाय 3 माइनस 3m लघुत्तम आ गया 3, 3 किया 9, 10 में से 9 गया 1। एल का मान कितना गया एन बाय 3, एम का मान ये है, तो देखो एल एम एन में दिक्कोजाओं में संबंध क्या होता है, एल की स्क्वायर प्लस एम की स्क्वायर प्लस एम की स्क्वायर बराबर 1, तो एल का मान कितना है एन बटे 3, एन बटे 3 की स्क्वायर होगी एन स्क्वायर बटे 9, एम का मान कितना है 2m बटे 3 का होल स्क्वायर,
आ गया एन स्क्वायर बटे नौ, दो दूनी चार, एन स्क्वायर बटे नौ और प्लस एन स्क्वायर बराबर एक। हाँ अच्छा लघुत्तम आ गया नौ, एन का स्क्वायर चार एन का स्क्वायर और ये हो गया नौ एन का स्क्वायर बराबर एक। हाँ तो दो चार तेरह एक चौदह, फोर्टीन एन स्क्वायर बटे नौ बराबर एक, एन स्क्वायर आ गया नौ बटे चौदह, एन आपका आ गया तीन बटे रूट चौदह। देखो जब एन आ गई आपके पास में, एन ज्ञात करना है तो देखो एन ही रहा, एन बाई थ्री है, एन का मान कितना आ जाएगा एन बाई थ्री है तो एन की वैल्यू कितनी है तीन बटे रूट चौदह गुना एक बटे तीन, तीन से तीन कट गया एक बटे रूट चौदह। एन आ गया, एन का ज्ञात करना है कितना है दो बटे तीन, दो बटे तीन एन का मान रखा तीन बटे रूट चौदह, तीन से तीन कट गया तो दो बटे रूट चौदह, यानी ये केस एन बराबर दो एन बटे तीन लिया है, एल का मान भी एन के रूप में आ गया, एल एन दोनों का मान एन के रूप में आ गया तो दिक्कोचा में जो संबंध है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक, तो वहां से एल और एन का मान इस पर रख दिया जिससे एन का मान आ गया। एन का मान कहां पे रखना है, एल में रखना है और एम में रखना है, तो एक केस से आपकी ये तीन दिक्कोजाय आ गई आपकी। अब देखो दूसरा जो केस है आपका एम बराबर एन बटे दो लेने पर, एम बराबर एन बटे दो लेने पर तो जो एल का मान है वो कितना जाएगा पांच एम, एम किस पर रख दिया एन बटे दो माइनस तीन एन तो हो गया फाइव एम बाई टू माइनस थ्री एन, लघुत्तम आ गया दो पांच एम माइनस छह एन यानी कि माइनस का एन बाय टू। ये एल आ गया आपका संबंध क्या होता है एल एम एन में, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक, एल का वैल्यू है माइनस एन बटे दो, एन का वैल्यू है एन बटे दो, एन स्क्वायर बराबर एक, एन स्क्वायर बटे चार एन स्क्वायर बटे चार एन स्क्वायर बराबर एक, लघुत्तम आ गया चार एन की स्क्वायर चार एन की स्क्वायर बराबर एक, चार एक पांच और एक छह एन स्क्वायर बटे चार बराबर एक, एन स्क्वायर आ गया चार बटे छह यानी कि दो बटे रूट छह, चार का रूट दो गया तो दो बाय रूट छह आपका किसका आ गया एन का मान आ गया, तो एल का मान कितना आ जाएगा अभी निकाला था एल का मान कितना है माइनस एन बटे दो, एन की जगह दो बटे रूट छह लिख दिया मैंने कितना आ गया माइनस एक बटे रूट छह, एम का मान कितना है एन बाय टू तो वन बाय टू एन की जगह रख दिया दो बाय रूट छह तो दो से दो बट गया एक बटे, तो ये आपकी आगे दूसरे केस से दिक्कोजा, ये आपकी क्या है दिक्कोजा है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े इंपोर्टेंट है, छह नंबर के लायक है। आज देखो प्रश्न संख्या तेरह है, एक रेखाखंड का एक्सो पर प्रक्षेप माइनस तीन चार और माइनस बारह है, तो एक्सो पर प्रक्षेप मैं मान लेता हूँ एबीसी से डिनोट कर देता हूँ, एक्स एक्स पे प्रक्षेप माइनस तीन, वाई एक्स पे है चार, जेड एक्स पे है बारह, माइनस तीन चार बारह ये प्रक्षेप है, रेखाखंड की लंबाई व दिक्कोजा ज्ञात करनी है माइनस बारह। तो देखो यहाँ पे प्रक्षेप क्या होता है, ये वाला सिस्टम ये ए है, ये रेखाखंड है आपका, इसका परिमाण मैंने मान लिया आठ, तो देखो कोस अल्फा बराबर होता है आधार बटे करण, मतलब ए बटे आठ, कोस अल्फा दिक्कोजा होती है ए बटे आठ यानी कि ए बराबर कितना हो गया एल आर, कैसा है पता चल गया ये प्रक्षेप दे रखा है तो दिक्कोजा के साथ इसका संबंध ये हो गया ए बराबर एल आर का समीकरण एक, इसी तरीके से बी बराबर एम आर समीकरण दो, सी बराबर एन आर समीकरण तीन, एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर क्यों जोड़ा क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में संबंध पता है इसीलिए इसका एड किया, तो इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर इसका बी का स्क्वायर इसका सी का स्क्वायर ये हो गया एल स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर आर की स्क्वायर, ये कितना है माइनस तीन तो माइनस तीन का स्क्वायर, ये चार है तो चार का स्क्वायर, माइनस बारह है तो माइनस बारह का स्क्वायर, आठ स्क्वायर कॉमन है क्या बच गया एल का स्क्वायर एल का स्क्वायर एन का स्क्वायर तीनों प्लस,
ये क्या होता है आपका संबंध एक होता है। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, यहां बच गया 8 स्क्वायर। 16 9 25 और 144 169, 8 स्क्वायर आ गया 169, 169 का रूट होता है आपका कितना 13। ये 13 इकाई परिमाण आ गया, यानी कि रेखाखंड का लंबाई आ गया आपका। अब आपको दिग्गोचर निकालनी है तो एल क्या होता है, ए बाई आर, एल आपका हो गया ए बाई आर, ए कितना है माइनस 3, आर कितना है 13, एम कितना आ जाएगा बी बटे आर, बी कितना है 4, ये है 13, सी कितना है एम कितना है सी बटे आर, सी कितना है 12 माइनस का बटे 13। तो रेखाखंड की लंबाई और आपकी दिग्गोचर आ चुकी है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए बी सी और ए डेस बी डेस सी डेस को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहां से गुजर रही है भाई, मूल बिंदु से गुजर रही है। फिर क्या बोला है, यदि ए डेस बी डी डेस सी सी डेस बराबर पी पी डेस है, जहां पी और पी डेस इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरियां हैं। तो आपको मतलब मान लीजिए यहां पर सिद्ध जो करना है ए ए डेस बी बी डेस सी सी डेस बराबर पी पी डेस, पी क्या है आपकी इसकी मूल बिंदु से दूरी है, इस बिंदु की, इस बी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या है पी डेस, ठीक है। तो अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखो यहां पर दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यानी कि ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण, तो होता है एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब ए डेस माइनस ए, वाई माइनस वाई वन बटे बी डेस माइनस बी, जेड माइनस जेड वन बटे सी डेस माइनस सी, रेखा समीकरण हो गया। अब यहां पे यह जीरो 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 से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है, क्या रखोगे यहां पे संतुष्ट रहेगी एक्स वाई जेड को, वही एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो जीरो जीरो, तो यहां एक्स की जगह मैंने जीरो रखा, क्या आएगा माइनस ए बटे ए डेस माइनस ए, माइनस बी बटे बी डेस माइनस बी, माइनस सी बटे सी डेस माइनस सी, तीनों में माइनस से माइनस कट गया, ए बटे ए डेस माइनस ए, बी बटे बी डेस माइनस बी, सी बटे सी डेस माइनस सी, तो बराबर में है इनका उल्टा ही बराबर हुआ, तो इनका उल्टा कर दिया मैंने, क्या आ जाएगा ए डेस माइनस ए बटे ए, बी डेस माइनस बी बटे बी, सी डेस माइनस सी बटे सी। अब क्या कर रहे हैं अलग अलग भाग कर लो इसको, तो ए डेस बटे ए माइनस ए को ऐसे किया एक, बी डेस बटे बी माइनस बी को बी से किया एक, सी डेस बटे सी और माइनस एक, आ गया आप यहां पे एक से एक से एक से कट गया है, क्या बच गया ए डेस बटे ए बराबर बी डेस बटे बी सी डेस बटे। अब यहां पर देखो एक चीज करते हैं, अनुपात समानुपात जो प्रश्नमाला होती है उसके अंदर जो हटा चुकी है, अब तो हटा दी उसको, लेकिन अनुपात समानुपात में एक चीज होती थी युगांतरानुपात होता था, वो यहां पे लेते हैं युगांतरानुपात से, तो ए डेस अपोन ए बराबर बी डेस अपोन बी सी डेस अपोन सी बराबर रूट में ए डेस की स्क्वायर प्लस बी डेस की स्क्वायर प्लस सी डेस की स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब ये पूछोगे अब कैसे ले लिया, ये देखो अनुपात समानुपात का एक नियम होता है, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन लगे तो देखो एक उदाहरण ले लो इसमें करके देख लेना आप, 2/3 1/4 5/7 इसमें अगर ये वाला नियम लगाओगे तो अनुपात आपका क्या आएगा इनके बराबर आएगा, कोई भी एक अनुपात ले लेना जो बराबर का अनुपात हो आपका, ठीक है ना, 2/3 को 2/4 2/6 3/6 3/9 ये कोई अनुपात ले लिया, अब इसके बराबर में अगर ये वाला
नियम लगाओगे तो आपका अनुपात इन्हीं के बराबर आएगा। तो ये अनुपात लगा दिया आपने। अब देखो यहां पे जो P है, P का मान क्या आएगा, इसकी मूल बिंदु से दूरी है तो A माइनस जीरो का स्क्वायर, B माइनस जीरो का स्क्वायर, C माइनस जीरो का स्क्वायर क्या हुआ, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर का रूट। पी डेस मतलब इसकी मूल बिंदु से दूरी है तो मतलब क्या हुआ, ए डेस का स्क्वायर, बी डेस का स्क्वायर और सी डेस का स्क्वायर का, ठीक है। अब यहां पे रख दो ये मान, ये किसका मान है, पी डेस का, और ये किसका है, पी का। ए डेस अपॉन ए, बी डेस अपॉन बी, सी डेस अपॉन सी बराबर पी डेस अपॉन बी। सबको मैं सबकी तुलना इसकी इसके साथ, इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ तुलना करता हूं। ए डेस अपॉन ए बराबर पी डेस अपॉन पी, यानी कि ए डेस का मान कितना आ गया, ए पी डेस अपॉन पी, ये आपका हो गया समीकरण एक। इसी तरीके से बी डेस अपॉन बी बराबर पी डेस अपॉन पी, यानी कि बी डेस का मान आ जाता है आपका बी पी डेस अपॉन पी दो। इसी तरीके से सी डेस अपॉन सी आ जाता है पी डेस अपॉन बी के बराबर, तो सी डेस आ जाता है सी पी डेस अपॉन पी। ये आपके आगे तीन समीकरण यहां पे, ये तीनों समीकरण का मान कहां रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो एल एच एस दिया मैंने, ए ए डेस की जगह क्या रखेंगे, ए पी डेस अपॉन बी, बी बी डेस की जगह लिखेंगे बी पी डेस अपॉन पी, सी सी डेस की जगह लिखेंगे सी पी डेस अपॉन पी। देखो इसमें कॉमन आ रहा है आपका पी डेस अपॉन पी, क्या बच गया, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मान कितना देगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो पी डेस अपॉन पी गुणा पी का स्क्वायर, ये पी से पी का दिया, पी पी डेस बराबर आर एच एस। तो एक चीज ये यहां पर ध्यान रखना जरूर, बस बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपके, इस चीज को ध्यान रखो, ये करेक्ट सही नियम है एकदम बिल्कुल ये। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 14 है और अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको दो बार सोल्व करना घर पे। और प्रश्न संख्या 15 है, अंतिम प्रश्न है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस दो एक दो से गुजरता है। तो सबसे पहले तो इसी की समीकरण बना लेते हैं, बिंदु पी माइनस दो एक दो से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन होता है। तो यहां पे ए एक्स माइनस एक्स वन माइनस माइनस प्लस दो, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन बराबर जीरो। ये आपका आ गया समतल का समीकरण। आगे क्या बोला है, ये जो समतल है वो दो सदिशों के समांतर है, समतल एक सदिश ए, समतल एक सदिश ए कितना दिया है, माइनस आई प्लस टू जे माइनस तीन के से समांतर है, यानी एक सदिश और दे रखा है, ये दोनों समांतर है। तो देखो एक बार यहां पे समतल है, ये बिंदु पी से कोई समतल गुजर रहा है, एक सदिश ये है, एक सदिश ए है, एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, इन दोनों के समांतर है। तो देखो समतल का जो अभिलंब सदिश होता है, अभिलंब सदिश मतलब लंब और सदिश होगा, तो ये क्या होगा, इस रेखाखंड के लिए क्या होगा, लंब होगा, ये भी इस रेखाखंड के लिए लंबवत होगा। तो ये समतल है, समतल के यहां पर द्विक अनुपात क्या है, अभिलंब, अभिलंब ये ए बी सी, ये इसके द्विक अनुपात है अभिलंब के ए बी सी, वो क्या होंगे, इस सदिश ए के लिए लंबवत होंगे, इस सदिश बी के लिए भी लंबवत होंगे। तो कहने का मतलब दो सदिश लंबवत होते हैं तो क्या होता था, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो। तो यहां पे समतल के द्विक अनुपात तो ए बी सी हैं और इस सदिश ए के द्विक अनुपात माइनस एक दो और माइनस तीन है। तो अतः यहां पे मैं लिख सकता हूं लगभग समतल के
अभिलंब के दिक अनुपात ए बी व सी सदिश ए के लंबवत है। अच्छा लंबवत होते साथ क्या आएगा, ये माइनस एक गुणा ए माइनस ए, ये दो गुणा बी मतलब दो बी, और माइनस तीन गुणा सी मतलब माइनस तीन सी बराबर जीरो। इसी प्रकार समतल एक सदिश बी बराबर पास आए माइनस ए प्लस के समांतर है, वो समांतर है तो वो क्या हुआ, इसकी जो दिक अनुपात है लंबवत होंगे, तो पांच गुणा ए पांच है माइनस एक गुणा बी माइनस बी एक गुणा सी मतलब सी बराबर जीरो। आगे समीकरण तीन, अब दो व तीन को हल करने पर दो व तीन को हल करने पर तो देखो वज्र गुणन विधि से करो। हाँ एक को छुपाए यहां पे क्या है, बी के गुणा में दो यहां माइनस एक, सी के गुणा में माइनस तीन है और यहां एक। हाँ ये ऐसे फिर लिख दो माइनस तीन एक। अच्छा बी वाले को छुपा लो, इसको छुपा लिया इसको छुपा लिया मैंने, माइनस तीन एक लिख दिया, एक माइनस का एक और पांच, हाँ इसको एडिटिव लिखो माइनस एक पांच, सी को छुपाओ यहां में दो और माइनस एक बच गया, करें इसको सोलव। ए बटे में दो एकम दो माइनस 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 प्लस का तीन, बी बटे पास किए पंद्रह माइनस का, और एक को माइनस एक से किया तो माइनस का एक, तो कितना हो जाएगा प्लस का एक। सी बटे में माइनस माइनस प्लस एक और पांच दूनी दस, ए बटे माइनस एक बी बटे माइनस चौदह सी बटे माइनस का नौ, माइनस कॉमन आ गया अचल पद में चल जाएगा आपका। ओके तो यहाँ पे देखो माइनस अचल पद में चल जाएगा, ए का मान एक बी का मान चौदह सी का मान आ जाएगा नौ, ये एबीसी का मान आपका यहां पे रखना है, तो देखो कितना आ जाएगा एक गुणा एक्स प्लस दो बी का मान चौदह गुणा वाई माइनस एक और ये नौ गुणा जेड माइनस दो बराबर जीरो, तो ये एक्स प्लस दो चौदह वाई माइनस चौदह और ये नौ जेड माइनस अठारह, एक्स प्लस चौदह वाई प्लस नौ जेड और ये आठ चार बारह एक और एक दो एक तीन बत्तीस, आठ चार बारह एक दो तीन बत्तीस में से दो या माइनस का तीस बराबर जीरो, ये समतल का समीकरण आ गया। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा 3D। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे सबको मैसेज कर रहा हूँ। ओके।